जापानीज कंपनी निसान ने एक काफी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार बनाई थी, मैग्नाइट। इस कार को बनाने पर इनका फिलॉसफी था मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, और इसी का नतीजा है कि आज के समय में तो 15 देशों में ये बेची जा रही है, इतनी पॉपुलर हो चुकी है। वैसे तो इसे दिसंबर 2020 में ही लॉन्च किया था, और तब से लेकर यहाँ पर 78,000 बुकिंग्स निकल कर आई थी मात्र इंडिया में ही। वहीं एक्सपोर्ट की बात करें तो अभी तक इन्होंने 6,344 यूनिट्स को एक्सपोर्ट भी कर डाले हैं। पहले ये साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट हो जा रहा था, लेकिन इसके सक्सेस और अवार्ड विनिंग कार जब से ये बनी, तब से और भी बाकी सारे देशों में भी एक्सपोर्ट का सिलसिला जारी हो गया, जिसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ब्रुनेई, युगांडा, केनिया, मोजाम्बिक्यू, जाम्बिया, मॉरिशियस, टेंजानिया, ऐसे तमाम सारे देश शामिल हैं। और आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि जब से लॉन्च हुई है तो चेन्नई के प्लांट, इनका ये जो चेन्नई की फैक्ट्री है, यहाँ पर तो अभी तक 42,000 मैग्नाइट्स बनाया जा चुका है, और वो भी कोविड-19 जैसे काफी गंभीर चैलेंज के बावजूद भी। इसके अलावा पूरी दुनिया में जो सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज चल रहा था, तो इसको भी, इस चैलेंज को भी एड्रेस करते हुए इन्होंने इतने बड़े अचीवमेंट को कर डाला है, और इसी बड़े अचीवमेंट की वजह से इन्हें ग्लोबल प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है। सो भारत के अलावा यहाँ पर यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका के काफी सारे देशों में ये पॉपुलर बनती जा रही है, और यहाँ पर निसान के चेयरमैन ने भी कहा है कि ये एक काफी ज्यादा एक्सेप्शनल और फैंटास्टिक कार है। इससे भारत का भी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो आज के समय में वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र है, ये भी काफी रैपिडली एक्सपैंड होता जा रहा है, काफी बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है। और आपको ये भी याद होगा कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी काफी बार बोल चुके हैं कि 5 साल के भीतर वो भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। इससे जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिकल्स के लिंक चेकआउट कर सकते हो।